लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ क्योंकि लड़का कमजोर हो गया है। नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो उन्होंने यूपी में एक रैली के दौरान दिया था और वो नारा देखते ही देखते हर कांग्रेस पार्टी के सदस्य यानी या फिर कांग्रेस पार्टी के जो समर्थक हैं या फिर जो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए हैं उन लोगों को नारा खूब पसंद आया और उन्होंने इस नारे को चारों तरफ खूब तेजी से वायरल किया कि लड़की हूँ तो लड़ सकती हूँ। तो सवाल ये पूछा जा रहा है, क्या लड़का कमजोर हो गया है या फिर लड़के की बस की बात नहीं रही। दरअसल कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनका ऐसा सोचना था कि जो यूपी में 2022 का विधानसभा चुनाव होना है उसमें राहुल गांधी कुछ अच्छा नहीं कर सकते हैं, इसीलिए उनको लगा कि अब एक नए चेहरे की जरूरत है और इसीलिए वो उनकी बहन यानी कि राहुल गांधी की बहन प्रियंका वाड्रा को लेकर के आए। वैसे कहने के लिए तो प्रियंका गांधी है, इंडिया में इनका नाम प्रियंका गांधी है, लेकिन जैसे यहाँ से बाहर जाती है प्रियंका वाड्रा बन जाती है। और इन्हीं का नारा था कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। तो बात दरअसल ये है कि मामला है क्या, यूपी चुनाव में वो महिलाओं के लिए लड़ने आई थी, महिलाओं के हक की बात करने आई थी और इनका कहना ये है कि वो जब उनकी सरकार बनेगी तो महिलाओं के लिए बहुत सारा काम करेंगी और महिलाओं को आगे लेकर के जाएंगी। लेकिन दरअसल उन्हीं की सरकार राजस्थान में है जहाँ पर हाल ही में महिलाओं के साथ अत्याचार की बहुत सारी घटनाएं सामने आई हैं, लेकिन उन्होंने इस मसले पर कुछ नहीं कहा है क्योंकि उनका जो मेन एजेंडा है वो वहाँ पर है जहाँ पर उनकी सरकारें नहीं है। इसीलिए वो लड़की जो लड़ सकती हैं यानी कि प्रियंका वाड्रा जो लड़ सकती हैं वो वहाँ पर लड़ सकती हैं जहाँ पर उनकी सरकार नहीं है, और जहाँ पर उनकी सरकार है वो वहाँ पर राहुल गांधी यानी अपने भैया जी की तरह वहाँ पर कमजोर हो जाती हैं। तो सवाल ये है कि क्या प्रियंका गांधी सिर्फ वही लड़ पाएंगी जहाँ पर उनकी सरकार नहीं है। आखिर प्रियंका गांधी जब इतना ही लड़ने आई हैं तो उन्हें तो देश में हर महिला के लिए लड़ना चाहिए, हर महिला के लिए बोलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पास ही में दिल्ली जहाँ पर वो रहती हैं और पास ही में राजस्थान है और पास ही में उत्तर प्रदेश है, लेकिन मजेदार बात यह है कि उनकी जहाँ पर सरकार है ना तो वहाँ लड़ने जाती हैं ना ही अपने वहाँ के उस मुख्यमंत्री को जिसको कांग्रेस ने सीएम की कुर्सी पर बिठा रखा है ना ही उनसे कुछ कहने जाती हैं, क्योंकि वहाँ तो सरकार बन गई है, वहाँ क्या लड़ेंगी। वो लड़ना तो वहाँ पर है जहाँ उन्हें वोट चाहिए, यानी उनके कहने का मतलब है लड़की हूँ तो चुनाव लड़ सकती हूँ, लड़की हूँ तो लड़ सकती का मतलब ये नहीं है कि वो सभी के लिए लड़ेंगी, लड़की हूँ तो चुनाव के लिए लड़ सकती हूँ और सीट जीतने के बाद में वहाँ से जा सकती हूँ, फिर इसके बाद जहाँ पर चुनाव होगा वहाँ पर आऊँगी और फिर लड़ सकती हूँ, इनका यही नारा है। सबसे ज़्यादा हाल ही में जो घटनाएँ आई थी फिलहाल के दिनों में सबने देखा होगा कि मीडिया से लेकर के जो दलित वर्ग था जो शोषित वर्ग था उस पर कितने अत्याचार हुए, महिलाओं के साथ किस तरीके से छेड़खानी हुई तथा बलात्कार की घटनाएं सामने आई, लेकिन उस पर ना तो उनके भैया राहुल गांधी जी ने कुछ कहा और ना ही प्रियंका वाड्रा जी ने कुछ कहा, क्योंकि इनका मिशन यह है कि चुनाव लड़ सकती हूँ। दरअसल वो पूरा कह नहीं सकती हैं, लाइन से उन्होंने चुनाव शब्द हटा दिया, इसीलिए उनका जो स्लोगन है वो थोड़ा सा चेंज हो गया, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लेकिन ये नारा पूरा है लड़की हूँ तो चुनाव लड़ सकती हूँ और जीत करके यहाँ से जा सकती हूँ। तो दरअसल ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं या फिर उनके कहने का मतलब ये है कि अब राहुल गांधी जी के बस की बात नहीं रही, अब वो कमजोर हो गए हैं यानी कि अब वो वृद्धावस्था में आ गए हैं, अब उनके बस की बात नहीं रही। बेशक कांग्रेस के लोग या कांग्रेसी जो चाहने वाले हैं उनकी नज़र में राहुल गांधी युवा हैं, लेकिन प्रियंका जी ने साबित कर दिया है कि राहुल जी अब युवा नहीं रहे क्योंकि अब वो लड़ नहीं सकते हैं, वो बूढ़े हो गए हैं, उम्रदराज व्यक्ति हो गए हैं, अब उनके बस की बात नहीं रही, इसीलिए अब हर व्यक्ति यानी कि कांग्रेस को चाहने वाला अब उनके पीछे चले प्रियंका वाड्रा जी के पीछे, राहुल गांधी के पीछे चलने की कोई जरूरत नहीं है, इसी को बोलते हैं मानसिक गुलाम। मानसिक गुलाम का तात्पर्य क्या है कि जिनको राहुल गांधी में पीएम नजर आता था, जिनको राहुल गांधी में प्रधानमंत्री नजर आता था, वही लोग अब राहुल गांधी जी का साथ छोड़ करके प्रियंका वाड्रा जी के पीछे चलने लगे हैं और उन्हीं के नारे के साथ अब घूमने लगे हैं, इसी को बोलते हैं मानसिक गुलाम। यानी कि अगर आपको राहुल गांधी में एक पीएम नजर आता था तो फिर ऐसा क्या हो गया प्रियंका वाड्रा के आते ही आपको पीएम वाली छवि राहुल गांधी के अंदर से खत्म हो गई। तो दरअसल जो गुलाम मानसिकता है उनसे इतना खा जाता है कि आपसे जो कहा जाए सिर्फ आप उतना ही करिए, इससे ज्यादा आपसे ना तो पूछने की जरूरत है ना ही जानने की जरूरत है। दरअसल कांग्रेस पार्टी द्वारा कुछ नारा दिया गया है, यानी कि वो नारा फिक्स है, गुलामों को ये बता दिया गया है कि आपको कहना क्या है, जैसे संविधान खतरे में है, देश सुरक्षित नहीं है, मोदी तानाशाह है, लेकिन दरअसल उन गुलामों को आज तक एक बात ही समझ में नहीं आई
कि जिस कांग्रेस पार्टी की आप जन वंदना कर रहे हैं उसमें तानाशाही है या नहीं है। अगर उसमें तानाशाही नहीं होती तो आजादी से लेकर अब तक उस पार्टी का कमान, उस पार्टी का जो बागडोर है, दरअसल गुलामों को ये बात समझ में नहीं आती है कि अगर तानाशाही मोदी के पास है तो आप जिसकी वंदना कर रहे हो उसके पास अगर तानाशाही नहीं है तो 1947 से लेकर के अब तक कांग्रेस पार्टी का मुखिया सिर्फ एक ही परिवार क्यों है? क्यों हर बार सत्ता सिर्फ एक ही परिवार के हाथ में जाती है? क्यों कांग्रेस के जो सदस्य हैं या कांग्रेस के जो लोग हैं उनके हाथ में कुछ नहीं मिलता है? यानी कि कांग्रेस के जो लोग हैं उनके हाथ में लॉलीपॉप पकड़ा करके उन्हें खुश कर दिया जाता है और बाकी मेन मलाई इटली वाली माता खा जाती हैं। यही तो गुलामी है कि जहां पर आप कुछ बोल नहीं सकते हो, आपको जो कह दिया जाए आपको वो करना है, उससे ज्यादा आपकी कोई औकात नहीं है। तो साहब आप कर भी क्या सकते हैं, आप लोग तो वैसे भी मानसिक गुलाम हैं, इसी को तो बोलते हैं चमचे। तो आप एक काम कीजिए, आप मोदी की चिंता मत कीजिए और लड़के की चिंता कीजिए जो लड़ते लड़ते कमजोर हो गए हैं साहब। यानी कि अब लड़का कमजोर हो गया है तो लड़की लड़ने के लिए मैदान में आ गई है। लेकिन ये बात उन गुलामों को समझ में क्यों नहीं आती है कि वो लड़की जहां पर उनकी सरकार है वहां पर लड़ने क्यों नहीं जाती है? जहां पर कांग्रेस की सरकार है महिलाओं पर अत्याचार होता है, दुष्कर्म होती हैं, दलित और शोषित समाज पर अत्याचार होता है, उन्हें पीट पीट कर मार डाला जाता है। आपने देखा होगा राजस्थान में भी कई ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं जहां पर दलित वर्ग के बच्चे को पीट पीट कर मार डाला गया, रोड पर खुलेआम उसको पीटा गया, लेकिन ना तो वहां पर लड़की लड़ने गई ना ही वहां पर लड़का लड़ने गया। क्यों भाई गुलामों ऐसी मानसिकता लिए क्यों घूमते हो? यानी कि प्रियंका गांधी या प्रियंका वाड्रा जो है अगर वो यूपी आती हैं तो तुम्हारा पूरा गिरोह पीछे भागते हुए आता है, लेकिन तब आप ये नारा लगाते हो कि हम गरीबों का शोषण नहीं होने देंगे, हम दलितों पर अत्याचार नहीं होने देंगे, हम महिलाओं का पर अत्याचार नहीं होने देंगे, लेकिन तुम्हारे ही जब राजस्थान में ऐसी घटनाएं होती हैं तब तुम कहाँ चले जाते हो? तब तुम्हारे अंदर की इंसानियत मर जाती है क्या? क्या तब तुम्हें ये कहा जाता है कि अब गुलाम मानसिकता वाले लोगों हमारे खिलाफ एक शब्द नहीं बोलना है तो आप नहीं बोलते हो क्या? या फिर डर जाते हो कि आपकी जो राजमाता हैं वो आपको अपने जो आशीर्वाद है उससे वंचित कर देंगी? आखिर वजह क्या है? कुछ तो वजह होगी यदि आप दलित महिला शोषित पीड़ित वंचित को लेकर इतने चिंतित हो, तो जरा आप बताओ वहां पर आप क्यों डर जाते हो? ये दरअसल इसी को बोलते हैं गुलाम, जितना कहा जाए उतना करो और जो तुम्हें दिखाई भी दे तो तुम चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाओ। खैर कोई बात नहीं, लड़की है तो लड़ सकती है, दिक्कत नहीं है। 2022 का चुनाव है यानी कि देखा जाएगा जिसने किया होगा काम उसका होगा नाम और जिसने किया होगा जनता का सहयोग चुनाव में मिलेगा उसको वोट। तो लड़की सिर्फ लड़ने से वोट नहीं मिलेगा, काम करने से वोट मिलेगा, लड़कर चुनाव जीतकर इटली भाग जाने से वोट नहीं मिलेगा, इंडिया में रहकर काम करने से वोट मिलेगा। और देश की जनता तो समझदार है, 70 सालों से जो लोग गरीबी से मुक्ति नहीं दिला पाए वो लोग आज लड़ने आए हैं, चुनाव लड़ने आए हैं। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, नहीं साहब ये अधूरा नारा है, लड़की हूँ चुनाव लड़ सकती हूँ, जीत करके दोबारा इटली जा सकती हूँ, फिर चुनाव आते ही वापस आ सकती हूँ, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। उम्मीद करता हूँ मैं आपसे, अगर मेरी वीडियो आपको आई पसंद तो वीडियो कीजिए शेयर और चैनल कीजिए सब्सक्राइब। जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।